हबीब रोम की कैद में आए तो रोमन ये 10 आदमी थे, 9 कत्ल कर दिए। ये बड़े खूबसूरत थे, लंबे चौड़े थे, तो उसको एक रोमी सरदार ने अपना गुलाम बना लिया। फिर उसने कहा कि अगर तू ईसाई हो जाए तो मैं अपनी बेटी भी देता हूँ, अपनी रियासत भी देता हूँ। तो उन्होंने फरमाया कि सारा मुल्क अरब भी दे दे और मुल्क रोम भी दे दे, मैं एक पल के लिए भी अपना दीन नहीं छोड़ सकता। फिर उसको एक तरकीब सूझी, उसने एक घर पूरा खूबसूरत फर्निश्ड उसमें उनको बंद कर दिया और शराब भी रख दी, खाना भी रख दिया। एक खूबसूरत लड़की को तैयार किया कि इससे गुनाह करवाओ। वो आ गए, वो गुनाह की दावत दे रही, यूं बैठो। 3 दिन गुजर गए, 3 रातें कुछ ना खाया, ना नजर उठाई, ना पिया। 3 दिन के बाद वो लड़की कहने लगी, तू क्या बला है, ना तूने खाया, ना तूने पिया, ना तेरी नजर उठी, कौन है तू, क्या है तू, तुम्हें कौन रोकता है? तो फरमाया कि अब तो मेरे लिए शराब भी हलाल है, जिस हाल पर मेरी प्यास पहुंच चुकी, और सुअर पका कर रखा हुआ था, कि ये गोश्त भी मेरे लिए हलाल है, जिस सतह पर मेरी भूख पहुंच चुकी है, लेकिन मेरे रब से मुझे हया है जो मुझे देख रहा है, मैं ये काम नहीं कर सकता। लड़की 3 दिन की बजाय 30 दिन यहां बैठी रहे, मैं ये काम नहीं कर सकता, मेरी जवानी अमानत है, इस पे दाग नहीं लग सकता। वो कहने लगी, तेरे जैसे इंसानियत के ताज को मैं कत्ल नहीं होने दूंगी, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगी। बाहर निकल के कहने लगी, सरदार तूने मुझे किसके पास भेजा है? लोहा है, ना खाया ना पिया, या पत्थर है कि एक दफा उसने नजर उठा के नहीं देखा, मैं कहां से उस पर हाथ डालती। और फिर रात को आई, एक थैले में कुछ खाना और एक मशकीजे में थोड़ा पानी, और उसको चुपके से निकाला, कहा कि ये देखो तारा, कुतुब सितारा देखा, कहा इसको यहां रखना कंधे पर और चलते रहना, रात को चलना, दिन में छुपना, अगर इसको तुमने इस सीधे कंधे के साथ रखा तो एक दिन तुम इराक पहुंच जाओगे। ये किरदार था जिसने सहरा नशीनों को कैसर और किसरा के ऊपर झंडे गाड़ने की ताकत अता फरमाई, तौफीक अता फरमाई, और कुव्वत और कुदरत दी। अपनी 24 घंटे की जिंदगी में तुम्हारी हॉस्टल लाइफ है, पार्टियां ना बनो। मेरे देश को मजहबी नफरत ने भी बर्बाद किया है और सियासी नफरतों ने भी बर्बाद किया है, सारा मुल्क जवाल का शिकार है। मैं सियासतदानों का सिर्फ गिला नहीं करता हूं, मेरा तो रेड़ी पे सेब बेचने वाला भी बद्दयानत है, खाइन है। तो मैं सियासतदानों का गिला क्या करूं, मैं अफसरान का, ब्यूरोक्रेसी का रोना क्या रोऊं, हमारा तो चपड़ासी भी बद्दयानत है। अल्लाह उसके रसूल की गुलामी को ढूंढो, ढूंढो, मजहबी नफरतों का शिकार मत हो। हमारी नस्लों में बड़े दुख से ये बातें कह रहा हूं कि जैसी नफरत मैंने पाकिस्तान में देखी है मजहब की, पूरी दुनिया में कहीं नहीं देखी। मजहब का इख्तलाफ कब नहीं था, मेरे नबी की मौजूदगी में सहाबा में इख्तलाफ था, नबी की मौजूदगी में इख्तलाफ था। इख्तलाफ खत्म ही नहीं हो सकता, मोहब्बत करना सीखो।